जनरल अस्पताल से 3 साल बच्चा मुबैना तौर पर अगवा, खातून इमरजेंसी से बच्चा उठाकर चलती बनी, पुलिस कई घंटे बाद भी मुलजिमा को ढूंढने में नाकाम। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमा को बच्चे ले जाते देखा जा सकता है। उधर दाता दरबार आई खातून बच्चे को छोड़कर फरार, बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के सपोर्ट, खातून की तलाश। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश, तहकीकात लाहौर मुंतकिल करने का फैसला, हुकूमत का मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए दरख्वास्त की जाएगी, यूनिवर्सिटीज में इंसदाद हरेसमेंट सेल भी बनेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं बेटियां सबकी सांझी होती हैं, किसी की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। सर्विसेज अस्पताल में अद्वियात का शॉर्टफॉल, एंटीबायोटिक अद्वियात नायाब, मरीज कार, सर्जिकल सामान की भी शदीद किल्लत, ऑपरेशन के लिए मरीज बाजार से सामान लाने पर मजबूर। वजीर आला ने चंद रोज कबल सर्विसेज अस्पताल का दौरा भी किया था। एलपीजी की कीमत में 24 रुपए का बड़ा इजाफा, नई कीमत 201 रुपए किलो मुकर्रर, घरेलू सिलेंडर 281 रुपए महंगा, कीमत 2373 रुपए पर जा पहुंची। एलपीजी एसोसिएशन की मुल्कगीर शटर डाउन की धमकी, आज शहर में 4 घंटे की अलामती हड़ताल की, डीलर्स और सेलर्स की लक्ष्मी चौक में नारेबाजी, चेयरमैन एसोसिएशन इरफान खोखर का गैस माफिया और इंपोर्टर्स को लगाम देने का मुतालबा। आजम सोसाइटी मुल्तान रोड का सिवरेज खराब, गंदा पानी गलियों में जमा होने से अहले इलाका को मुश्किलात, वासा और सोसाइटी इंतजामिया को खरी खरी सुना दी। उधर शाहजमाल कॉलोनी में 3 रोज से बिजली बंद, मकीन सरापा एहतजाज, मुजाहरीन की जानिब से लेस्का हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। शहर में दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी, जिला इंतजामिया खामोश, बेशतर रिहायशी इलाकों को अब तक मवेशियों से पाक ना किया जा सका, टाउनशिप सेक्टर D1 में मवेशियों की भरमार, ताफुन फैलने लगा, बीमारियां फैलने के खदशात भी बढ़ गए। परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर, जस्टिस राहिल कामरान शेख कल कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत करेंगे, इससे कबल जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से मुआजरत की थी। आमदन से जायद असासा जात के साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार नैब में पेश न हुए, उस्मान बुज़दार नैब तहकीकात में 16वीं मरतबा भी गैर हाजिर रहे, उस्मान बुज़दार के खिलाफ पंजाब से गंदम बैरून मुल्क भिजवाने का केस भी जेर तफ्तीश, 30 सवालात पर मुश्तमिल मुकम्मल जवाबनामा जमा नहीं कराया। वजीर आजम के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत, मुलजिमान की बरियत की दरखास्तों पर हतमी दलाइल तलब, आइंदा समाअत पर अदालत ने अहद खान सीमा की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली, एहतसाब अदालत ने मजीद समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दौरान इद्दत निकाह की कानूनी हैसियत क्या होगी, कोई खातून दौरान इद्दत दूसरी शादी करती है तो वो कलदम ना होगी, इद्दत पूरी होने के बाद शादी खुद ब खुद रेगुलर हो जाएगी, वकील के दलाए, समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। निजी हाउसिंग स्कीमों से मुतालिक शिकायत के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम, सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर, DGLDA, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट मेंबरान में शामिल। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के गिर्द घेरा तंग, मुलविस करप्ट अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म, सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ने रिश्वतखोरों की फहरिस्त मांग ली। वारंटी में गाड़ियों के पार्ट्स की तब्दीली काबिले टैक्स नहीं, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी कंपनी की दरखास्त मंजूर, अदालत ने करार दिया कि वारंटी में पार्ट्स की तब्दीली गाड़ी की कीमत में शामिल होती है, 2 रुकनी बेंच ने निजी कार कंपनी की दरखास्त पर कानूनी नुक्ता तय किया।
लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के नतीजे का ऐलान, कामयाबी का तनासुब 74.57% रहा। लड़कियां एक बार फिर बाजी ले गई, तुबा आजम की 1091 नंबरों के साथ पहली पोजीशन, मोहम्मद अब्दुल्ला 1090 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहे, आदिया नूर की 1089 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन। फ्यूचर में प्री इंजीनियरिंग और देन इंशाल्लाह उसके बाद मैं सीएसएस के लिए एम करूंगी। उम्मीद मेरी थी 1080 प्लस की, और मतलब मेरा हार्डवर्क इस तरह का था, मैंने हार्डवर्क इतना किया था कि मैं इस गोल को अचीव करूं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने मुझे इससे ज़्यादा ही नंबर अदा किए। लाहौर बोर्ड की टॉपर तुबा आजम ने कामयाबी को वालिदैन की दुआ करार दे दिया, मुस्तकबिल में इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब्दुल्ला भी कामयाबी पर खुश, सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में जाऊंगा। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के लिए मंसूबा बंदी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 3 अगस्त को इजलास बुला लिया, बलदियाती इंतखाबात के शेड्यूल को फाइनल किया जाएगा। दो लाख मैट्रिक टन चीनी 12 मिलों में जखीरा करने का इंकशाफ, केन कमिश्नर का स्टॉक 3 दिन में मार्केट लाने का हुक्म, अहकामात पर अमल न होने पर डिप्टी कमिश्नर को चीनी जब्त करने के अहकामात। पुलिस ने लापता दो बच्चियां ढूंढ निकाली, जहनी माजूर महविश और आमिना वालिद के सपूत, वालिद की डांग टिपट पर घर छोड़ाई थी, कोट लखपत पुलिस ने तहवील में लिया, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस टीम को शाबाश। सरकारी अस्पतालों की बेहतरी का प्लान तैयार, 28 अस्पतालों की तामीर और मरम्मत, तिब्बी आलात की फराहमी के लिए 15 अरब खर्च होंगे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेरे सदारत इजलास, सरकारी अस्पतालों की पार्किंग का इंतजाम लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले करने का फैसला। दर्जा 4 के मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, महकमा प्राइमरी हेल्थ में 2500 आसामियां खत्म, माली ड्राइवर कुक चौकीदार की आसामियां अरसे दराज से खाली थी, ग्रेड 1 से 4 तक 2411 आसामियों को खत्म कर दिया गया। लेस्को में मुतअद्दिद अफसरान के तकरार और तबादले, रमजान बट चीफ इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट तायुनात, आमिर यासीन जनरल मैनेजर टेक्निकल, कुर्बान अली डेप्टी डायरेक्टर टेक्निकल साउथ मुकर्रर, रब यार एक्जीएन रावी रोड, अहमद फराज एक्जीएन शाहपुर डिवीजन तायुनात। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद के एजाज में अलविदाई तकरीब, चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस की शिरकत, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी की शिरकत, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक, जस्टिस अनवार हुसैन भी शरीक हुए। सैलाबी सूरत हाल और पेशगी इकदाम, कमिश्नर लाहौर की जेरे सदारत इजलास, रावी और सतलुज में पानी की आमद और अखराज की तफसीलात पर ब्रीफिंग, कमिश्नर की जेरे सदारत इंसदाद डेंगी पर भी इजलास हुआ, अफसरान को इमरजेंसी और डेंगी काउंटर से मुतलिक रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देने की हिदायत। नए भर्ती होने वाले सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, डायरेक्टर जनरल मुदस्सर रियाज मलिक ने सेशन का इफ्तिताह कर दिया, ट्रेनिंग का दौरानिया 9 से 10 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा, ऑफिसर्स को महकमाना अमूर को बेहतर अंदाज में समझने में मदद मिलेगी। बच्चों की घरेलू मुशक्कत को रोकने के लिए सर्च फॉर जस्टिस की तकरीब, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का इजहार ख्याल, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे भी शरीक थे। शिकारी खुद शिकार बन गए, पाबंदी के बावजूद शिकार करने वाले मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार, सरकारी छापामार टीमों की सगियां, मोटरवे पुल 3 नंबर 4-5 और ठोकर न्याज बेग में कार्रवाइयां।